सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी संघ ने समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद उपाध्याय ने की, जबकि धरने में काफी संख्या में मनरेगा कर्मी शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए मनरेगा कर्मियों ने कहा कि वे लोग डर के साए में कार्य करने को मजबूर है। हमेशा डर समाय रखता है कि कहीं कोई छोटी गलती हो और हमें बर्खास्त न कर दिया जाए। कहा, नौकरी का भय दिखलाकर उच्च अधिकारी उनसे किसी भी तरह का कार्य करा लेते हैं। कहा, चुनाव के वक्त राज्य सरकार ने मनरेगा कर्मियों से वादा किया था कि उन्हें स्थायीकरण कर दिया जाएगा, परंतु सरकार बने लगभग 3 वर्ष से ऊपर हो गए बावजूद उनका स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है। कहा, मनरेगा कर्मी सोई हुई गूंगी सरकार को जगाने का कार्य कर रही है। कहा, अब नहीं सहेंगे अन्याय, अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। वह अपने हक अधिकारों के लिए जरूरत पड़ी तो और भी उग्र आंदोलन चलाएंगे। हम लोग स्थायीकरण, वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा, बर्खास्तगी पर रोक और नियमावली बनाने को लेकर के कई वर्षों से हम लोग आंदोलनरत हैं। प्रधानमंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चलकर हमारे परशुराम शर्मा जी पदयात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक। वो आज प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच गए हैं और वहां पर वो अपना जो मांग पत्र है उसको प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। उन्हीं के समर्थन में और अपनी जो हमारे चीर लंबित मांगे हैं उसके समर्थन में आज हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित जो हमारा मांग पत्र है वो अपने जिला के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त महोदय को हम लोग धरना कार्यक्रम के बाद जाएंगे और सौंपेंगे। और हमारा आज ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है, 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है। अगर मांग में हम लोगों को नहीं किया जाता है पूरा तो हम लोग और भी आगे आंदोलन करेंगे। मनरेगा कर्मी शुरू से डर के साए में नौकरी कर रहे हैं। हम लोगों को हर दिन नौकरी जाने का डर लगा हुआ रहता है। जैसे ही एक दिन पूरा होता है हम लोग ये मान लेते हैं कि एक दिन हमारा नौकरी पूरा हो गया। जब तक हम लोगों का स्थायीकरण नहीं होता है तब तक हम लोग को नौकरी की गारंटी नहीं है। मेरा नाम विकास पांडे, प्रदेश सचिव।